शुक्रवार को नागदा रेलवे स्टेशन पर सूरत मुजफ्फर एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। शुक्रवार को ट्रेन का नागदा स्टॉपेज शुरू हो गया है। ट्रेन स्टॉपेज से सूरत से नागदा और नागदा से बिहार यात्रा करने वाले यात्रियों को उज्जैन या रतलाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बताया, ट्रेन हर शुक्रवार सुबह 6 बजे सूरत से चलेगी, जो बड़ौदा, दाहोद, रतलाम रुकने के बाद इसी दिन दोपहर 1:40 बजे नागदा पहुँचेगी। यहां से चलने के बाद प्रदेश के 8 स्टेशन पर स्टॉपेज के बाद बिहार पहुंचेगी। ट्रेन के नागदा स्टॉपेज का फायदा शहर में रहने वाले यूपी बिहार के लगभग 10,000 परिवारों को मिलेगा। अभी उन्हें अपने गांव जाने के लिए उज्जैन या रतलाम में ट्रेन पकड़ना होती है। ऐसे में अब नागदा स्टॉपेज के बाद उनका यह फेरा खत्म हो जाएगा। बता दें कि सूरत से मुजफ्फरपुर तक ट्रेन लगभग 2,140 किलोमीटर सफर तय करेगी। औद्योगिक नगरी नागदा नगर एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं के नागरिक नागदा नगर में निवास करते हैं। उनका यातायात कैसे सुगम हो सके, उसका प्रयास माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी के द्वारा लगातार किया जाता है और उसका आज परिणाम है माननीय केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी के द्वारा और हमारे रेलवे DRM अधिकारीगणों के द्वारा नागदा नगर को एक नई सौगात आज दी गई है। सूरत मुजफ्फरपुर नगर का आज ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है। नागदा नगर के समस्त यूपी बिहार के वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही क्षेत्र की समस्त जनता को मेरी ओर से बधाई शुभकामना देता हूँ। एक और ट्रेन जो रेलवे यातायात को जोड़ने का काम करेगी, जिसका कि नागदा नगर के नगरवासियों को लाभ मिलेगा। सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। केंद्रीय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब और वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय आज सूरत मुजफ्फरपुर ट्रेन का नागदा में स्टॉपेज हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नागदा में चारों दिशाओं के लोग निवास करते हैं, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, और इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश बिहार के हमारे उत्तरांचल के भाई हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे केरल तरफ के हो, गोवा तरफ के हो, हर तरफ ट्रेन की सुविधाओं को हमने बहुत इस 3-4 साल के अंदर करा है। माननीय थावरचंद जी गहलोत और माननीय चिंतामणि मालवीय जी का एक अथक प्रयास इस चीज़ के लिए रहा। करीबन मुझे 6-7 ट्रेनों का अलग अलग अपने बिहार परिषद हो, चाहे हमारे राजकुमार भैया, जितेंद्र भैया, रविंद्र भैया हमारे दादा हैं, और ये सब लोगों ने खूब मुझे कहा। अभी 15 दिन पहले भी मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था ये ट्रेन सूरत से रतलाम, रतलाम से नागदा, उज्जैन, मक्सी, अशोकनगर, ग्वालियर, झांसी और लखनऊ, और लखनऊ से फिर अयोध्या होती हुई बिहार की तरफ जाएगी। मैं मानता हूँ कि अवध के बाद में एक ये बहुत अच्छी ट्रेन हमारे उधर के साथियों को मिली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद और सुविधाएं मिले उसके लिए लगातार प्रयास होगा। आज मुझे भाई सज्जन जी ने कहा है कि जयपुर पुणे ट्रेन एक है, एक राजेश जी ने कहा कि आने वाले समय में पुणे निजामुद्दीन ट्रेन है, और भी, और मैंने तो माननीय ताई जो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं माननीय सुमित्रा जी, उनसे निवेदन करा कि इंदौर, उज्जैन, नागदा होते हुए गोरखपुर के लिए ट्रेन उधर चालू हो जाए, ताकि काफ़ी हो जाए। मैं जितने मेरे मित्र हैं बिहार परिषद के हो, चाहे पूर्वांचल के हो, उत्तर प्रदेश के, सारे भाइयों को बधाई दूंगा। माननीय पीयूष गोयल जी की जिनकी कृपा खूब रहती है हम लोगों पे, माननीय रेल मंत्री जी को उनका धन्यवाद दूंगा, और विशेष करके माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और माननीय चिंतामणि जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा।